नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। जयपुर में आज फीस निर्धारण कमेटी की अहम बैठक होगी। बैठक में निजी स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर कैसा हो, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि पहले भी फीस निर्धारण कमेटी ने फीस तय की थी, लेकिन निजी स्कूलों ने कोर्ट से स्टे ले लिया। ऐसे में फीस निर्धारण कमेटी का फैसला लागू नहीं हो पाया। सरकार फीस निर्धारण को लेकर महाराष्ट्र का फार्मूला अपनाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में इस फॉर्मूले की फिजिबिलिटी को लेकर के भी चर्चा होगी। निजी स्कूल लगातार फीस निर्धारण का विरोध करते जा रहे हैं और अभी भी निजी स्कूल फीस निर्धारण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। निजी स्कूलों की दलील है कि वो संचालन जब स्कूल का करते हैं तो इसमें संसाधन देते हैं, क्वालिटी देते हैं और इसी बात की फीस ली जाती है। तो फीस निर्धारण कमेटी की बैठक है आज और महाराष्ट्र का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो सकती है और इसे लेकर के कुछ कमेटी की तरफ से सुझाव दिए जा सकते हैं। देखिए, फैसला फीस निर्धारण कमेटी इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मामला पहले से ही सब जूडियस है और क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को लेकर के स्टे लगा रखा है। कोर्ट का स्टे अभी जारी और ऐसे में फीस निर्धारण कमेटी कोई फैसला ले नहीं सकती, लेकिन सुझाव दे सकती है भविष्य में फीस का स्ट्रक्चर क्या हो, इसे लेकर के एक अहम चर्चा हो सकती है। शशि मोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि का रुख करते हैं। शशि, फैसला फीस निर्धारण कमेटी नहीं ले सकती, भविष्य को लेकर के एक स्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन क्या वो स्ट्रक्चर भविष्य में भी काम आ सकता है? ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, फीस निर्धारण कमेटी किसी काम की है या फिर नहीं है, कुछ कर भी सकती है या फिर सिर्फ दिखाने के दांत हैं? देखिए राहुल, कोर्ट के आदेश के बाद तो ये दांत दिखाने के ही ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन अब सरकार की मंशा ये है कि कोई ना कोई राहत ज़रूर दी जाए जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। किसी भी तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है, कोई सेट पैटर्न नहीं है। तो सरकार की मंशा एक ये है जो प्रस्तावित बात चल रही है कि महाराष्ट्र पैटर्न को लागू किया जाए, उसमें जो स्कूल के संसाधन हैं, उसमें टीचर्स की योग्यता है, उन सबको पैरामीटर्स मानते हुए फीस बढ़ाने के हर साल मापदंड तय किए जाएंगे। प्रॉस्पेक्टस की फीस तय की जाएगी, एडमिशन फीस उसमें तय की जाएगी कि कितनी होनी चाहिए, तो एक सेट पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद हर किसी स्कूल की ऊपर कोई बाध्यता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पैटर्न हो जाएगा उसके हिसाब से ही सरकार की अनुमति के बाद में फीस बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए फीस एक्ट भी सरकार ला सकती है, ऐसी तैयारियां चल रही हैं सरकारी हलकों में। जी राहुल, बिल्कुल। और क्या ये इन रिकमेंडेशंस के आधार पर हो सकता है? जैसे जैसा आप बोल रहे हैं फीस एक्ट लाया जाएगा, क्या ये फीस निर्धारण कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर महाराष्ट्र फॉर्मूला लाने की सरकार पूरी कोशिश कर सकती है? क्या इस सत्र में हो सकता है या फिर थोड़ा वक्त लगेगा? राहुल, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये लेकर के आ जाएंगे। हो सकता है जो आने वाला सत्र है उसमें भी पेश कर दें, क्योंकि इस सत्र में 13 बिल सरकार पेश करने की तैयारी कर रही है, तो इन 13 बिलों में ये बिल भी शामिल हो सकता है। जी राहुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन शर्मा मीडिया संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। देखिए, फीस निर्धारण कमेटी की अहम बैठक है और इस बैठक में कुछ खास निकल करके सामने आ सकता है। जैसा कि शशि कह रहे थे कि अभी दांत दिखाने के, लेकिन अगर इसने एक्ट का रूप ले लिया या फिर ये कानूनी जामा इसने पहन लिया, तो फिर इसके बाद में ये दांत काटने वाले भी हो जाएंगे। फीस निर्धारण फिर एक कानूनी रास्ता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चूरू में आज सीएम के साथ राज्यपाल कल्याण सिंह यहां पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल और सीएम चूरू के सुजानगढ़ के गोपालपुरा में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। यहां पर राज्यपाल के राव बीदाजी की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम है। ये बता दें कि मूर्ति अनावरण समारोह में दो मंच बनाए गए। राज्यपाल के मंच पर मात्र 7 कुर्सियां हैं, ऐसे में दो मंच तैयार किए गए हैं। दूसरे में बाकी वीवीआईपी अतिथियों को बैठाया जाएगा। तो खबर है चूरू से, जहां पर सीएम के साथ राज्यपाल कल्याण सिंह भी पहुंचे, या यूं कहना ज्यादा सही होगा कि राज्यपाल के साथ सीएम चूरू पहुंची हैं। मनोज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ चूरू से जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, क्या खबर मिल रही है, क्या कार्यक्रम है और कब शुरू होगा? मैं बताना चाहूंगा राहुल कि जो चूरू का जो सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ के दो गांवों के अंदर अलग अलग प्रोग्राम है दोनों, जिसके अंदर जो गुलेरिया गांव है, गुलेरिया गांव सीएम है, सीएम का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। सीएम ने यहाँ
जो जल स्वावलंबन अभियान है उस अभियान के अंतर्गत और श्रमदान किया है, जो जनप्रतिनिधि और जो ग्रामीण है वो भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ मौजूद है। लगभग 300 ग्रामीण है वो उन लोगों ने सीएम के साथ मिलकर और एक जोहड़ है उस जोहड़ को बनाने के लिए और श्रमदान किया। राहुल बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मनोज शर्मा जी मीडिया संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम के अतिक्रमण के दस्ते ने महामंदिर से मंडोर रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने निगम दस्ते से धक्का मुक्की शुरू कर दी और हंगामा होने लगा। इस बीच धक्का मुक्की में निगम की जेसीबी से एक युवक टकरा गया, जिसके चलते युवक जख्मी हो गया। हालांकि निगम दस्ते के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद था, बावजूद इसके अतिक्रमण करने वालों और निगम दस्ते के बीच झड़प होती रही। आगे बढ़ते हैं। अलवर के राजाखेड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच में थानाधिकारी इलाके के दौरे पर निकल गए। मालाखेड़ा से खबर आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले की सथूर ग्राम पंचायत में चंद्रभागा लघु सिंचाई परियोजना मुश्किल में, तकनीकी दिक्कत की वजह से बांध का काम रुका हुआ है। पिछले कई सालों से परियोजना का काम चल रहा है, ऐसे में ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 937 करोड़ की लागत से होने वाले बांध निर्माण से करीब 12 गांवों को फायदा मिलना था, जो मुश्किल लग रहा है। काम अटकने की मुख्य वजह निर्माण के काम में आने वाली मिट्टी का नहीं मिलना है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर काम पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रोजेक्ट अधिकारी का कहना है कि जल्द काम पूरा करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ जहां देश में स्वच्छ शहरों की फेहरिस्त तय हो रही है, तो ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की साफ पीने का पानी मुहैया करवाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। रावला मंडी क्षेत्र के 7 DOL गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही से लोग दूषित पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है। जिस डिग्गी से पानी की सप्लाई होती है उसमें या तो गंदगी फैली है या फिर काई जमी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके विभाग डिग्गियों को साफ नहीं करा रहा। सूरतगढ़ में रेलवे स्टेशन पर बीती रात सेना के जवानों ने जमकर हंगामा किया। विवाद की शुरुआत ट्रेन में सीट को लेकर हुई। इस दौरान जवानों ने एक डिब्बे पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को उसमें घुसने नहीं दिया। इसका विरोध सीआरपीएफ के एक जवान ने किया तो सेना के जवानों ने उससे उसकी राइफल छीन ली और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। हंगामे की सूचना पर सिटी थाना पुलिस और जीआरपीएफ के जवान स्टेशन पहुंचे और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में जैसे ही पुलिस ने सेना के 3 जवानों को मामले में गिरफ्तार किया तो स्टेशन पर सेना के जवान हंगामा करने लगे और ट्रेन को रोक दिया गया। करीब 1.5 घंटे तक अवध एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। काफी समझाइश के बाद सेना के जवान माने और ट्रेन को आगे जाने दिया। चित्तौड़गढ़ जिले में पहाड़ियों पर अवैध खनन जारी है। खनिज विभाग हालातों से बेखबर बना हुआ है। शहर के मोहन मगरी के पास में रियाल मार्ग पर सोमवार को अवैध खनन की सूचना मिली। बाद में खनन कर रहे श्रमिक, जेसीबी और ट्रैक्टर मालिक कथित देवता के नाम पर रास्ता बनाने का बहाना बनाते हुए मौके से चले गए। जिले के कई इलाकों में इसी तरह से अवैध खनन बेधड़क जारी है। आपके सामने सर मेरे 4 ट्रैक्टर चारों खाली पड़े हैं। अभी खुद ही करवा रहा नहीं, तो 2-3 दिन से नहीं गए सर। नहीं तो 4 ट्रैक्टर आपने यहाँ क्यों रखा? ये तो किसी ने बोला है कि यार 2-3 आदमी ने गया, हमारे यहाँ गांव के आदमी गया, ये थोड़ा सा टुकड़ा छूटा हुआ है, ये तोड़वा के आपके सही करवा दो, रास्ते रास्ते में डलवा दो, तो बाबूजी के आने जाने के लिए यात्री लोग जो आते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई। सिटी पुलिस को राजकीय महाविद्यालय के पास में अवैध हथियारों से लेस 2 छात्र गुटों के बारे में सूचना मिली।
इस पर डीएसपी झगड़े पर उतारू, डेढ़ दर्जन छात्रों को गिरफ्तार पहले ही कर लिया गया। पुलिस ने इन छात्रों के पास से 315 और 32 बोर की दो अवैध पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सभी छात्र एनएसयूआई और एबीवीपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत और 14 छात्रों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि चुनावी रंजिश को लेकर ये छात्र गुट पहले भी आमने सामने हो चुके हैं। थाने पे इत्तला मिली कि 2 छात्र गुट हैं और उनमें झगड़ा होने की आशंका है और वो कॉलेज के पास ही एक जगह इकट्ठा हुए हैं और उनके पास हथियार हैं और आपस में वो लड़ाई कर सकते हैं। तो इत्तला पे मैं जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचा तो तकरीबन 15-16 छात्रों को हमने गिरफ्तार किया। इनमें 4 लड़कों को तो आर्म्स एक्ट में और बाकी को 151 CRPC में गिरफ्तार किया। न्यायिक कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। चिट्ठी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी समूह अवकाश पर चले गए हैं, जिसकी वजह से परिवादी को न्याय मिलने में देरी हो रही है। उधर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों के करीब 17,000 कर्मचारी कल से सामूहिक अवकाश पर हैं, जिसकी वजह से अधिकतर न्यायालयों में ताले लटके हुए हैं। वहीं कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। कल न्यायिक कर्मचारियों ने जिला न्यायालय से लेकर जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों के इस फैसले के बाद से पूरे प्रदेश में न्यायिक काम लगभग ठप हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है हमें जयपुर से। ACB के IG दिनेश MN और 20 सदस्यीय टीम लगातार 2.5 घंटे से हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण कर रही है। चारा फार्म से लेकर अस्थायी कर्मचारियों के मामले तक की गहराई से जांच यहां पर की जा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में ACB ये जांच कर रही है। ACB ने साफ किया है कि नगर निगम के कई मामलों में जांच जारी है और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए ACB की सक्रियता और उसके बाद में हिंगोनिया गौशाला में बनी परिस्थितियां और उस पर कोर्ट का यह कहना कि ACB अब इस मामले की जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे और सच्चाई कोर्ट के सामने आए, प्रदेश के सामने आए। और इसे लेकर अब ACB ने गंभीरता के साथ में जांच करनी शुरू की और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकता है कि IG दिनेश MN खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। दिनेश MN इस मामले की जांच करते हुए बता भी रहे हैं कि आगे और भी कार्रवाइयां की जाएंगी। वरुण वंचाली जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। वरुण, बड़ी खबर है, अब ACB काफी सक्रिय दिखाई दे रही है हिंगोनिया गौशाला के मामले में। 2.5 घंटे से ACB में ही हूँ, हिंगोनिया में ही हूँ और लगातार 20 सदस्य टीम खुद दिनेश NM IG समेत यहाँ पर पूरी गौशाला का निरीक्षण कर रही है। एक एक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जो हिंगोनिया गौशाला निरीक्षक है उससे पूरी गहनता से पूछताछ की गई। खुद दिनेश NM अपनी पूरी टीम के साथ एक एक बाड़े की जांच कर रहे हैं, किस तरह से संचालन हो रहा है उसको पूरा समझ रहे हैं। पूरी गौशाला में गहनता से जांच की जा रही है और साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशन के बाद पूरी तरह से ये जांच की जाएगी और जहां पर भी अनियमितता पाई जाएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे चारे का मामला हो, चाहे गौशाला में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों का मामला हो। हर चीज की लिखित जानकारी लेने के बाद, रिकॉर्ड खंगालने के बाद पूरी तरह से उसका निरीक्षण किया जा रहा है। हर जगह जाकर खुद दिनेश NM अपनी पूरी टीम के साथ, 20 लोगों की टीम के साथ उसे देख रहे हैं और अभी भी वो उनका निरीक्षण चालू है, निरीक्षण कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार शिकायतें आने के बाद ये कार्रवाई की। बिल्कुल वरुण, नजर बनाए रखे, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। वरुण भंसाली जी मीडिया संवाददाता है, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। गुलाबी नगरी को आज एक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सौगात मिली है। सांगानेर इंटरनेशनल हवाई अड्डे से स्पाइस जेट ने आज जयपुर दुबई के बीच में सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट का संचालन शुरू किया है। आज फ्लाइट को गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया और सांसद रामचरण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह फ्लाइट सोमवार और शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन जयपुर से सुबह 10:05 पर रवाना होकर दोपहर 12:30 पर दुबई पहुंचेगी। वहीं सुबह 4 बजे दुबई से रवाना होकर 9:30 पर जयपुर पहुंचेगी। इस मौके पर एयरलाइंस के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर JP गुप्ता ने कहा कि इस फ्लाइट के बाद जल्द ही कोलकाता और बैंकॉक के लिए वो फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। वहीं गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने से
प्रदेश में पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। दुबई की इस स्पाइस जेट की उड़ान के साथ एक नया अध्याय राजस्थान के साथ जुड़ रहा है। स्पाइस जेट के परिवार को भी मैं बधाई देता हूं और यहां की एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कि उन्होंने प्रयत्न करके दुबई, जहां से हमारा व्यावसायिक संबंध भी है, जहां से हमारे हज़ारों लोग दुबई में व्यापार की दृष्टि से भी और अपने छोटे मोटे काम की दृष्टि से भी वहां रहते हैं बड़ी तादाद में, उनको ये सुविधा मिलेगी। हमें बड़ा गर्व है कि आज हमने ये फ्लाइट जयपुर से डायरेक्ट चालू की है। हम पहली प्राइवेट एयरलाइन है जिसने डायरेक्ट फ्लाइट जयपुर और दुबई के बीच में चालू की है और इस फ्लाइट का लोड भी बड़ा अच्छा है एंड वी हैड 185 पैसेंजर्स हैं जाते वक्त इस फ्लाइट के ऊपर। ये फ्लाइट सप्ताह में 5 दिन है जयपुर से और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे इसको डेली फ्लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। जंगलों में जीव जंतु जहां आज इंसानों के शिकार हो रहे हैं, वहीं श्रीगंगानगर इन बेजुबानों के लिए सुरक्षित आशियाना बना हुआ है। जिले के डाबला में स्थित शहीद अमृता देवी वन्य पार्क इन जानवरों का नया जीवन यहां ये पार्क दे रहा है। उछल कूद करते ये बेजुबान इस पार्क में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। दरअसल यहां आने वाले सभी जीव जंतु किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं और जख्मी हालत में इस पार्क में पहुंचते हैं। पार्क में इन बेजुबानों का जहां इलाज किया जाता है, वहीं उन्हें तंदुरुस्त करके दोबारा अपनी जिंदगी जीने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।